घिलक घिलक क्या फील हो रहा? केचप? मैं कब केचप पर बैठ गई? बेटा ये कोई केचप नहीं है, ये ब्लड है और इसको कहते हैं पीरियड्स, जो हर 28 टू 30 डेज में 5 दिन के लिए आते हैं। पहले 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेन भी होता है, लेकिन धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन टाइम में अब तू बड़ी हो गई है, 12 साल के बाद ये सब लड़कियों को स्टार्ट होता है, इनफैक्ट मुझे भी हुआ था। पर मम्मी ये होता क्यों है? बेटा इसलिए होता है ताकि गर्ल्स का जो भी इम्प्योर ब्लड है इसके थ्रू निकल जाए और बॉडी क्लीन हो जाए और बॉडी हेल्दी रहती है, तो ये हमारी भलाई के लिए है। तो फिर बॉयज को क्यों नहीं होता? बॉयज को और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनकी आवाज चेंज हो जाती है और भी बॉडी चेंजेस होते रहते हैं, ऐसी गर्ल्स की बॉडीज में बहुत बदलाव आते हैं। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आजकल ये सब बहुत नॉर्मल है, बॉयज को भी पता होता है, गर्ल्स को भी पता होता है और स्कूल में भी इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और तेरे को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो ना अपनी मम्मी के पास आ जाइयो, मैं किस लिए हूँ। ठीक है मम्मी। चल तेरे को और चीजें सिखाती हूँ। पापा मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं उसी पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है? मैं टाइम से घर पे वापस आ जाऊंगी। पार्टी? कैसी पार्टी बेटा? अभी तो बताया पापा, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उसमें जा रही हूँ। नहीं बेटा मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, तुम अभी 18 साल की नहीं हुई हो। पापा ये क्या बात हुई, 18 साल के होने में मुझे सिर्फ 2 महीने बचे हुए। आपको पता है मैं पूरे के पूरे 17 साल 10 महीने और 15 दिन की हो चुकी हूँ। इस हिसाब से ना बेटा तेरे को 18 का होने में 1.5 महीना बचा है, और 1.5 महीने बाद तुम कहीं भी जाना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पापा यार ऐसे मत करो, और वैसे भी आपको पता है आजकल के ना 18 साल की क्या 15 साल की उम्र के ही बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं, उनको पता होता है कि कब क्या करना और कब क्या नहीं करना। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट को ना ये रूल हटा देना चाहिए 18 साल वाला, बल्कि उसे 15 साल कर देना चाहिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेटा जी 18 से 21 कर दिया है गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया। ये उल्टा कैसे चल रही है गवर्नमेंट? पापा जाने दो ना प्लीज। पापा बस 1.5 महीने की तो बात है, हो तो जाऊंगी मैं 18 की। बेटा प्यार की भाषा आपको समझ नहीं आती क्या? जब एक बार बोल दिया कि 18 के होने के बाद आप कहीं भी जाना, उसके बाद आपको आपके पापा कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो प्यार से बात मान लिया। जाओ मुझे काम करने दो। नैन्सी आ गई तो ला बैग दे दे मेरे को जल्दी फटाफट, और ये कपड़े पहन ले और सुंदर से तैयार होकर आई हो एकदम कच। पर क्यों मम्मी? मेहमान आए हुए हैं यार। ये ले सबको चाय दे के और ध्यान से लेके जाइयो एकदम। मुझे क्यों पकड़ा रहे हो? और ये इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो तेरे को देखने आए हैं। मुझे देखने क्यों आएंगे? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ। तेरे लिए रिश्ता लाई है वो। मम्मी मेरे से एक बार पूछ तो लेते, ऐसे ही किसी को भी लाके बिठा दिया यहाँ पे? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, ना कोई लड़का देखना। अरे बेटा मैं कौन सा कह रही हूँ, तू शादी कर, देख तो सकती है ना। देख लिया, अब मैं जा रही हूँ। अरे सुन मेरी बात, एक बार देख ले, बात बात कर ले, अगर तेरे को पसंद आएगा तो ही तेरी शादी उससे कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। पर मम्मी अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ शादी के लिए। तो बेटा कब होएगी प्रिपेयर? मुझे नहीं पता। प्लीज बेटा एक बार मान ले और देख ले। ठीक है, पर सिर्फ आखिरी बार आपके लिए, शादी वादी नहीं करूंगी मैं। जी बस अभी आ रही है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। बेटा आपको कुछ उससे पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो। जी ये पूछ लो, इसको खाने में बनाने क्या आता है?
अच्छा बेटा, खाने में क्या क्या बनाना आता है आपको? नहीं अंकल, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर मैगी बनानी आती है मुझे। एक बार पापा के लिए बनाई थी, पर क्या है ना, गलती से उसमें चूहे मारने वाली दवाई डाल दी थी। बड़ी मुश्किल से बचे हैं पापा। आपको तो आपके लिए बना दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ मैगी। झूठ बोल रहे हैं, बहुत पसंद है इनको। जूता कहीं का। कुछ क्वेश्चन वगैरह हो आप अपने बारे में बताएं। नाम क्या है जी आपका? पापा आपका नाम पूछ रहे हैं। मेरा नाम जॉन है। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं तो आपसे ही बोल रहा हूँ। आपका मतलब है आप मुझसे बोल रहे हो? हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। नैंसी। थैंक यू। वो कार्टून नेटवर्क देखते हो आप? छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। नहीं, मैं कार्टून नेटवर्क नहीं देखती हूँ। हंगामा टीवी। हंगामा टीवी देखती है सिंचन। इरुआ इरुआ। नहीं, मैं वो भी नहीं देखती हूँ। मम्मी क्या ड्रामा लगा रखा है, किस कार्टून नेटवर्क को उठा के ले आए हो आप मेरे सामने? इसकी लंबी लंबी जुल्फे देखना, इतनी जुए होगी इसमें जितना हमारा पूरा खानदान में लोग नहीं होंगे। अब कितना सुखा सा ये, इसको एक फूंक मारते ही ना उड़ जाएगा ये। और दांत देख रहे इसके भैंगा कहीं का। चुप। अजी चलो यहाँ से, बहुत बेइज्जती हो गई। नहीं नहीं, वो समन जी थोड़ी हमारी बेटी ऐसी है ना, वो उसको कुछ कुछ चीजें। अजी रहने दो, हमें ये रिश्ता करना ही नहीं है। आओ चल। अरे रुको। अरे चल। अरे रुको। मेरा कोई शीशा खाली कर लिया। चल मेरे को शीशे कर लिया। अरे बात तो सुनो समधी जी। अरे मम्मी कैसे नमूनों को उठा लाते हो, पूरा का पूरा कार्टून नेटवर्क तो। कोई नहीं बेटा चलो। टमाटर देखो इतने महंगे होते जा रहे हैं किस बात जी? अरे आप दोनों को ही बोल रहा हूँ आंटी, 311 कहाँ है? आंटी तने हम आंटी नजर आ रहे हैं, बुंदी शक्ल के तू आंटी होगी तेरी माँ। आंटी तू के 2 साल का बाढ़ के काले पैदा होया हो है, तना मंटी दिखे? मैं तो 18 साल का आंटी। फिर आंटी, फिर आंटी, बुढ़े दाता आड़े तू। 40 के था हूँ मैं। दीदी तुम तो 45 की थी। अरे तू आधार कार्ड में तो 40 है, किसने बेरा लग गए? आंटी बोल ले तू, सुसरे आंटी होगी तेरी माँ, तेरी माँ ने जाके बोलिए आंटी। मैं तो 18 साल का हूँ ना। अरे तो छोरे 18 में और 45 में मतलब 40 में कितना ये फर्क है? यही लगभग कुछ 25-30 साल का। इसने चुप करा तू कम्मो। इधर 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 क्या बोलेगा? दीदी 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 अपनी बुआ ने जाकर कही है। क्या बोलेगा? मिस। क्या बोलेगा? मिस मिस। हाँ आयु की मैं 17 से लग गया। तू कट जाएगा भाज के है, तने के लागे मैं नुए छोड़ दूंगी तने। खड़ा होकर अड़े दंड बैठक लगा दे, सो होने चाहिए उससे एक कम नहीं। चल शुरू हो जा। तोड़ दो मिस। पता नहीं है किसते पंगा ले रहा है। दीदी ते आंटी ते कुछ दे फुटे पड़े हैं, इतनी सुथरी छोरी है ना आंटी, बताओ यो बजड़ ते दिख मन चाहिए आ गए। बताए जीजी का हालत पार्लर होका यू में हमने आंटी बतावे। और दीदी मैंने अपना इतना फिगर मेंटेन कर रखा। नेक्स्ट। ए बेटा पेंशन आ रही है के मेरी? हाँ ताऊ जी, अपना वो 2 आधार कार्ड। ले बेटा। आए चंद्रो। मैं कहूं थी गूंद के लड्डू खा रही हूँ मैं, जीभ इतनी चल रही हूँ वरना राम भरोसे होती। लो ताऊ आपके खाते में भेज दिया है। ए बेटा पेंशन क्यों कर काट दूंगा? अरे अपने बच्चों को बोल देना वो निकाल देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट।
आए चंद्रो, तू तो घनी किस्मत वाली है, तेरी बहू से यारी है। मेरी बहू तो टाइम पर रोटी भी ना देती, गूंद के लड्डू गल की तो घनी बड़ी बात है। देवी और सजनो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। कौन बनेगा पिल्सन पति में? पेंशन ताऊजी, पेंशन। हाँ पिल्सन, लाओ आधार कार्ड दो अपना। के बहू, वा तो अलग रह रहा है। के और आधार कार्ड देता। ए जीजी, मैं तो थक गई घड़ी घड़ी। अरे रे। हाँ ठीक है ताऊजी, ऑनलाइन कर दिया आपके बैंक में 7 करोड़। ताऊ 7 करोड़ नहीं, 5100 रुपए आपकी पेंशन, 5100। जाओ। अरे भाई तेरी भैंस दूध नहीं दे रही क्या, तू क्यों रो रहा है? भाई मेरे दादी की पेंशन आ गई है क्या? अरे भाई कितनी बार दूं तेरी दादी की पेंशन तेरे को, 5 साल हो गए तेरी दादी को मरे हुए, हर साल आ जाता तू पेंशन लेने। अब तो तेरी शक्ल भी याद होगी मेरे को, और तेरी दादी का भी नाम फूलमती है तेरी दादी का नाम, जानी मिलेगी इस बार। भाई दादी की पेंशन दे दे, बहुत गरीबी है भाई, 4 दिन से कुछ नहीं खाया भाई, खाने को लाले हो गए भाई, देख शरीर सूखा जा रहा है भाई। बस बस और मत बोल, मैंने तेरा दुख दर्द समझ लिया, अभी कर दे तो भाई। अब तो उसका आधार कार्ड नंबर भी याद हो गया मेरे को। एक ये छोरा मोटा सा आगे खड़ा हो गया। अरे बेटे हट लेना ताई, ना गांड दे बुड्ढी माड़े सोरे तेने। अरे डट जाने ताई, बुड्ढी लुगाइया दिखती नहीं है। बता कितनी दुख दर्द ताई जिंदगी में। सही कह है तू चश्मे वाले, कमर तो मेरी भी दुख है। ताई आधार कार्ड दो अपना। आधार कार्ड बेटे, आधार कार्ड तो मैं कौन लाई। अच्छा ताई। हाँ। तो फिर इन ताई का होगा। आए चंद्र तू लाई है क्या अपना वो आधार कार्ड? जी जी, मेरा तो कद का फट फुटा लिया। भाई या तर ना बस मैं भुलाई थी, रोज तक थी ना जद तो उड़े भुलाई थी अपना हमारे घर को नहीं। ताई मैं पेंशन क्यों कर दूँ, यूँ बताओ मेरे। भाई इन्नी में दे देने तू के हो गया बेटा सा हमारा, तू दे देने। अरे ताई तू कोई प्रूफ तो देओ, आप 60 तो ऊपर के हो। अरे भाई इसका कबूतर में आई मैं, कम कुके के अगर ही नहीं इसमें गाल दे। ताई कंप्यूटर है, कंप्यूटर आई इसमें इधर ले कंप्यूटर में। हाँ नाम बताओ अपना। भाई गाल दे सुशीला राम कटोरी। अच्छा सुशीला राम कटोरी, एक मिनट भाई पूरा काम जाना है मैंने तो। और ताई आप केस तो इसमें 58 साल दिखा हुआ है, 60 की तो आप हो ही नहीं। की बाण का ताई कित गई। नेक्स्ट आन दो भाई, नेक्स्ट। ए चंद्रो, ए जीजी बच गया आज ते। अरे सुशीला कति अच्छा तो नाता वो छोरा नाता, चल बच गए। जीजी बैठेंगे बड़ी देर। एक चंद्रो, हे बेबे थक गए कति। हे चंद्रो बच गए आज ते, ना वो छोरा घना ही पिटा उन्हें। ए सुशीला मेरा तो घुटने की कटोरी भी हिल गई। हे जीजी यह उम्र है ना हमारी 58 की, घनी ही बुंदी है ना तो यह 60 की। अकम सीनियर सिटीजन में आ जावे, अरे दुनिया हमने बुढ़ी बुढ़ी करती रहा है, बहुत बुढ़ी उम्र है। या के करे जीजी? ए जीजी नु तो हमारा घना ही नुकसान हो जाएगा, है नी सारी पेंशन चली जाएगी, 2 साल बाद मिलेगी हमने, 2 साल में तो घना ही फायदा कर दे हमारा, हुक्के का बीड़ी का भी जुगाड़ हो जावे। हाय जीजी के करे हैं? क्या करा जीजी अब? ए चंद्रो मैं तन्नु का हूँ, अपन है वो बनवा ले मैं क्या क्या करूँ ना, फैक फैक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट उसमें मारा ना 60 की उम्र दिखा दे होंगे आप। ठीक हो जीजी तुम? ठीक से, मेरा एक वो कुतरू सा छोरा है वो बनवाया करे, ये सारे उल्टे काम आवे उन्हें, और उस तक आके बनवा ले होंगे। चल जीजी मौज काटेंगे चल। चंद्रो घुटने का काम को नहीं करते, चल हिम्मत मार ले मड़ी, चल चल तेने चाय पिलाऊंगी, चल आजा आजा उठ ले उठ ले, हिम्मत मार ले, आजा हिम्मत जवान है हम बेबे, आजा। दादी मेरी प्यारी दादी, मैं ना आपके लिए चाय लाया। बेटा ला चाय पिला दे। मैं भी पी लूं दादी। पी ले बेटा पी ले।
दादी मेरी एक मदद करोगे? बोल बेटे। मैंने ना अपनी बहू ढूंढ ली। के? तन्ना मैं बताऊं ना यार तू तेरे पापा से बताऊंगी मैं। दादी 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 नहीं। हमारे जमाने में ना जब रिश्ता देखने आया करते तब देखा भी ना करते सकल छोरी की ना छोरा छोरी की और ना छोरी छोरे की। नुए शादी कर दिया करते माँ बाप की मर्जी तय तुम अपने आप देखते फिरो है नू हुक्मा होया करे के माँ बाप की मर्जी कुछ नहीं होती। देख ली छोरी दादी मने बहुत पसंद है दादी। आते बहुत पसंद है तो जा उस उसके बाबू से बात कर रहा अपने बाबू से बात कर ना के पसंद करता रहे तू। मारे जमाने में ना होया करते ये चीज बेरना था आजकल के बालक ये फिल्मा में देख देख क्यों कर ये सीख जाओ बाजा अड़ता दादी प्लीज करवा दो दादी। बाजा मारूंगी ना तेरे जा जा मैं तेरी थोड़ी सी वो कोल्ड ड्रिंक लिया जा ठंडी वाली काली वाली जा चटोरी दादी जल्दी लिया मरती क्यों ना किता रिश्ते देखते अंडा ये बालक बार भी टूटी नहीं इन तो अपना पिछवाड़ा धोना आया नहीं। अरे अब देखा है छोरी बता दादी अरे दादी इधर देखो इधर इधर आपकी वो दोस्त नहीं थी सहेली चंद्रो। चंद्रो कौन चंद्रो? अरे दादी जो आपके साथ गीत गाती थी वाह मोटी सी चंद्रो। हाँ दादी वाह मर गई। हाय जाली वाह है राम तोरे पहुंच गई मारा भी नंबर आवे घर। दादी मैं तो कहता हूँ अपना दवाई टाइम से लिया करो साथ में थोड़ा जहर भी लिया करो। अब मैं ये कह रहा था दादी जी अपना दवाई वगैरह टाइम से लिया करो क्या पता कब यमराज जी आ जाए आपको बोले चलो मेरे साथ। ना बेटा मत बोल तो तेरे गेल रहना थे दादी ने। दादी मेरी शादी भी तो देखनी है और पोता पोती भी तो देख रहे हैं जा तू एक काम कर मैं तेरी ना तेरी दादी से मूंगफली ले आ जा। है दादी आपके दांत तो कैसे अटके लग रहे हैं कैसे खाओगे मूंगफली? फिर तो क्या हो गया नकली तो है चबा लूंगी जा तू चिंता मत ना कर मैं दादी की जा ले मूंगफली ले आ जा जा खा तो लोगे। सुने मेरी चॉकलेट भी लाई है डार काली ठीक है दादी। दादी जी क्या है तू डरा मत कर मैंने वो नहीं है दादी वो आपका हम उम्र डोलू वो मर गया दादी हार्ट अटैक आ गया दादी उसके डोलू भी जा लिया। हाँ दादी भगवान से क्या कर के सब बेटा मैं बेटा मेरा भी नंबर जल्दी आवेगा दादी डोलू भी मर गया मेरा नाप कदम रोगे मेरा मतलब है दादी आप मत जाना मैं छोड़ के दादी आप भी तो हमारे साथी हो दादी। बेटा मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ मैं मेरे तो 100 साल की उम्र है बे मेरा ना तल्ला कटाओगा मतलब जी जाओ दादी जी जाओ आप। बेटे मैं इतनी जल्दी कहीं कहीं बुढ़िया हो गया काम डन कच्चे काटूंगा मौज होगी मम्मी ने भी परेशान ना करे बाबू ने भी ना करे मौज होगी ब्याह करूंगा अपनी पसंद की छोरी गर्ल। तन्ने के लगा मैं तन्ने छोरे के चले जी इब्बा कितना ना जाती मैं तो वो कर दूंगी था थारे गेल वो करो थे परेंग डर गया ना तू डर क्या बोला था तू दादी के बारे में हाँ दादी चली गई परेशान कर जा इतना प्यार करूं मैं तुमने फिर भी तुमने कहती मैंने का डर नहीं है नहीं है जब चली जाऊंगी ना जब तुमने मेरी याद आवेगी यार बात जाड़ तो पिटूंगी ना चले हुए मैं दादी फन कर रहा था फन करेगा है कहती पैर निकलता दादी ता जा गरम दूध लिया दादी ते तूने दुख सुना दिया दादी तेरा सदमा नहीं लगता तू जा चल दूध लिया कहाँ मरती मेरा ना कद जाएगी बुढ़िया आजकल के बालक नहीं के तीन चित नहीं करते बड़े बुढ़ा की अब चाहे तुमने लाड करे इन्हें के फिर नूका वह दादी चली जा नू का तीन सर पर बोझ समान अमना था ये बालक तुम भी अपने बड़े बुढ़ा की इज्जत करो उनका प्यार करो जितने दिन भी वे थारे गेल है उन मोजते रखो खुश रखो ठीक तुम ना आशीर्वाद मिलेगा उनका
सबका। अरे यह वीडियो पसंद आवे तो इसने लाइक कर दियो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। दादी नालायक कति नालायक, थम कर दियो वीडियो ने, लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो थम। ठीक से अच्छा जी चल, राम राम, राम।